वेलकम स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और आगे की चीजें देखो गैमेट्स इन हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बराबर है अगर स्पेसीज हेट्रोगैमेटिक है तो वो दो टाइप के गैमेट्स बनाएंगी मेल और फीमेल गैमेट्स वी नो दैट गैमेट्स आर ऑलवेज हेप्लॉयड Uh, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. Uh, we all know that gametes are formed by meiosis. okay gametes are always haploid though organism may be haploid or diploid, but the gametes are always haploid and they are formed by meiosis. Several organisms belonging to monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body. बट इन ऑर्गैनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइड जिम्नोस्पम्स एनजियोस्पम्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड तो देखो यहाँ पे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स दिए हैं तो प्लांट आ, जैसे कि टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पम्स एनजियोस्पम्स और एनिमल्स डिप्लॉयड है और हेप्लॉड को ने मोनेरा फंजा अल्गी और ब्रायोफाइड्स की प्लांट बॉडी कैसी हैप्लॉयड है ओके so it is obvious that meiosis the reduction division has to occur in a diploid body has to produce haploid gametes to so, jo diploid organisms hai unme obviously meiosis hoga matlab मतलब, reduction division hoga jisse ki haploid gametes banenge उसके बाद में यहां पर एक chart दिया है इस chart में आपको number of chromosomes in मियोसिट्स मियोसाइट्स diploid एंड गैमेट्स हैप्लॉयड ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स ये फिल करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिया है क्रोमोजोम नंबर इन म्यूसिट दिया है और क्रोमोजोम नंबर इन गैमेट दिया है लेटस्ट कंसिडर वन एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉयड uh, सेल में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं तो गैमेट में होंगे ट्वेंटी थ्री हाउस फ्लाई में अगर ट्वेल्व क्रोमोजोम्स है म्यूसिट्स मियोसाइट में तो गैमेट में कितने होंगे छः होंगे बराबर है रैट में यहां पर देखो क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट नहीं दिया है और गैमेट में ट्वेंटी वन दिया है तो ऑब्वियसली डिप्लॉड आएगा फोर्टी टू ओके तो इस तरह से आपको ये टेबल फिल करना है ओके उसके बाद में देखेंगे हम इन डिप्लड ऑर्गेनिज्म स्पेशल सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स अब मियोसाइट का मतलब क्या होता है गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस तो ये बात याद रखना है हमको कि डिप्लॉड ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट मदर सेल है जिसको हम म्यूसाइट बोलेंगे इट हैज़ हैजू अंडरगो म्योसिस और एट द एंड क्या होगा ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम ईच गैमेट में आएगा ओके okay? अब गैमेट तो बन गए तो अब गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है गैमेट ट्रांसफर अब हम पढ़ेंगे सो लुक हियर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टूगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन दैट इज फर्टिलाइजेशन हैव यू एवर gametes मीट तो देखो इसमें बहुत सी डाइवर्सिटी है इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गैमेट इज मोटाइल मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी तो बहुत सारे uh, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमेट मोटाइल होता है एक्सेप्शंस uh, अगर देखा जाए तो देखो नीट में ये इम्पोर्टेंट है फ्यू फंजाय और अलगी में जिसमें दोनों टाइप के गैमेट्स मोटाइल है ओके दोनों टा, टाइप के गैमेट्स कैसे है मोटाइल है तो 1.7 ए में डायग्राम दिखाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम ओके तो फ्यू फंजा और अलगी में दोनों गैमेट्स मोटाइल है आइसोगी ओके तो जैगोड बन रहा है और न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो एक्सेप्शन कुछ फंगस में और अलगी में बोथ गैमेट्स आर मोटाइल ओके सच तो टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज आइसोगी सच टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज आइसोग उसके बाद में देखो देर इज अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमिट्स मूव तो जो प्लांट्स है जैसे कि अलगी है ब्रायोफाइड्स है टेरुडोफाइड्स है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम क्या है वाटर है तो ये भी आपको याद रखना है लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अलगी है ब्रायोफाइड्स है टेरुडोफाइट्स है इसमें वाटर ये मीडियम है ओके okay, और लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हवेवर फेल टू रिच द फीमेल गैमेट्स इसलिए ये कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत सारे मेल गैमेट्स यहाँ पे बनाना है ओके okay, तो देखो इस पैराग्राफ में गैमेट ट्रांसफर में हमने पढ़ा कि मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट मोटाइल होता है फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है फिर उसके बाद में हमने एक्सेप्शंस देखा कि कुछ फंगस में और अलगी में दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं उसके बाद में हमने देखा कि अलगी में ब्रायोफाइट में टेरिडोफाइट में मोटाइल मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर ये सूटेबल मीडियम है और इससे क्या होगा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स वेस्ट जाएंगे तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत सारे मेल गैमेट्स बनाने पड़ेंगे ओके अब उसके बाद में जो सीड प्लांट्स है इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरियर्स ऑफ़ गैमेट्स बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर पॉलिनेशन होगा ओके, okay, तो पॉलिनेशन होगा। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल है एग पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स देर फोर द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन तो देखो सीड प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर के अंदर बनते हैं तो जब एंथर की मैच्योरिटी होगी एंथर का डिहेसन्स होगा ब्रेकिंग होगा एंथर का और इससे क्या होगा पोलन ग्रेन्स जो है वो पॉलिनेशन से स्टिग्मा तक पहुंचेंगे इन बायसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू इच अदर बराबर है जो कुछ भी बायसेक्शुअल प्लांट है उसमें पॉलिनेशन इजी है क्योंकि स्टिग्मा और एंथर दे लाइक क्लोज टू ईच अदर बट इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट्स अ स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पॉलीनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ओके तो देखो यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है सेल्फ पॉलिनेशन ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि जो डिस्टेंस है एंथर और स्टिग्मा के बीच में वो कम है लेकिन अगर प्लांट डायोशियस है डायोशियस प्लांट है तो उसमें पॉलिनेशन फैसिलिटेट करता है पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को ओके तो इससे क्या होगा आप फर्टिलाइजेशन होगा नाउ अस सी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन ओके सो फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ए सीनगैमी अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिनगैमी का मतलब क्या है फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स इज कॉल्ड एज सीन गैमी सिमिलर का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट मतलब गैमेट का गैमेट के साथ ही फ्यूजन होना सिमिलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि गैमेट और गैमेट का ही फ्यूजन होना उसको बोलेंगे सीन गैमी तो देखो एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो कि रिजल्ट क्या होगा जायगोट द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस ओके उसके बाद में वॉट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट ऑक्कर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और पार्थिनोजेनेसिस होता है हवेवर इट हैज टू बी मैंशनड हियर दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटीफर्स हनी बीज एंड इवन सम लीजार्ड्स एंड बर्ड्स लाइक तुर्के द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फेनोमिन इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस तो ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा से ही फर्टिलाइजेशन होगा ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और पार्थिनोजेनेसिस होता है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स रोटीफर्स है हनी बीज है सम लिजार्ड्स है और बर्ड्स जैसे कि तुर्के ओके okay. वेयर डी ऑकर्स इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है देखो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का है एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्फीबियंस में होगा ओके एम्फीबियंस उसके एग्जाम्पल्स है जहां पे एक्सटर्नल मीडियम वाटर लगेगा ओके और प्लांट्स की बात की जाए तो अलगी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा गया है फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा कैसे होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन टू द सराउंडिंग मीडियम वाटर तो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो है वो वाटर में छोड़े जाएंगे और उस और स्पर्म्स छोड़े जाएंगे इसके इस ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स वाटर मीडियम में एक्सटर्नली वहां पे सिनगैमी होगा दिस हैपन्स इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स एमसीक्यू वेर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस लेकिन इससे एक ड्रॉबैक भी है क्या डिसएडवांटेजेस है कि इस जो ऑस्प्रिंग्स है दे आर एक्सट्रीमली वलनरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देअर सर्वाइवल टू द अडल्टुड तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में उनको प्रीडेटर्स का यहां पर डर है तो ये एक डिसडवांटेजेस है तो याद रखना बेटा सीन गैमी दो टाइप का है एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कुछ अलगी में होता बोनी फिशेस में होता एम्फीबियंस में होता जो वाटर वो मीडियम है तो मेल और फीमेल गैमिट्स वाटर मीडियम में छोड़े जाएंगे लेकिन उसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि दे आर वलनरेबल टू प्रीडेटर्स ओके चलो अब हम देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाइर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइड से लेकर एनजियोस्पम तक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा ओके वहां पे क्या होगा इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड इन साइड द फीमेल बॉडी ओके अगर प्लांट की बात की जाए तो ओहरी के अंदर एक बनेगा वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट इन ऑर्गेनिज्मिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट मोटाइल होता है एंड हैज रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज इट लेकिन प्लांट की बात की, की जाए तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक लाने का काम पोलन ट्यूब करेगा नो लेट सी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ओके सो इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जैगोट आर कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाईजेशन इवेंट तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जयगोड बनने के बाद जो कुछ भी इवेंट्स होंगे उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसे कि जायगोड बनेगा एम्ब्रियोजेनेसिस होगा सीड फॉर्मेशन होगा फ्रूट फॉर्मेशन होगा सो ऑल दीज इवेंट्स आर टुगेदरली कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नाउ जहेगोड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉय जैगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्शुअली रिपोर्ड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिज्मल फर्टिलाइजेशन जयगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम यूजली वाटर बराबर है जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वहां परनली वाटर के अंदर फॉर्म होगा वेयर एज इन दोज एग्जीबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैगोट इज फॉर्म्ड इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो फर्दर डेवलपमेंट जो है झायगोड की इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द इन्वायरमेंट इट इज एक्सपोज टू देखो जो ऑर्गेनिजम्स फंजा तो और अलगी को बिलोंग करते जायगोड डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज झायगोड जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन मतलब झायगोड जो है फंजा और अलगी में वो एम्ब्रियो नहीं बनाता समझ लो वो एम्ब्रियो नहीं बनाता ओके इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जहेगोड डिवाइड्स बाय मिओसिस टू फॉर्म स्पोर्स दैट ग्रो न्यू हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स तो बेटा ये पॉइंट सीई के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा पॉइंट जो ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताएंगे उनमें जायगोट मिओसिस बताएगा और हेप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे और वो हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट होंगे हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स में ओके okay? तो ये हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल में होगा जयगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट तो झायगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिट्वीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एवरी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल झायगोट ओके अब जायगोट के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस तो जो एम्ब्रियो है वो जायगोट के डिविजन से बनेगा एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द ओके। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जयगोट अंडरगो सेल डिविजन माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन तो यहां पे देखो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिविजन माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन While cell division increases the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism. Okay. Now, the last paragraph Animals are categorized into oviparous and viviparous based on. वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इन साइड वेदर दे फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्सिथ टू यंग पेरस एनिमल्स जैसे कि रेपटाइल्स है और बर्ड्स है फर्टिलाइज एग्स आर कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल्स आर लेड इन सेफ प्लेस इन द इनवाइ आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट बराबर है ऑन द अदर हैंड इन विवी पेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द जायगोट डेवलप इन टू यंग वन इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन ये इंपॉर्टेंट है द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विवी पेरस ऑर्गेनिज्म सो वेन वी कंपेयर ओवी पेरस एंडी पैरस द चान्स ऑफ सर्वाइवल इज मोर इन विवी पैरस ऑर्गेनिजम बिकॉज ऑफ द प्रोपर एम्बरिक केयर एंड प्रोटेक्शन ओके नाउ इन प्लांट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है जैगोट इज फॉर्म्ड इन साइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल द पार्ट लाइक सेपल पेटल स्टेमिन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल

सो आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स और न्यू प्लांट्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स सो विद कंप्लीटेड दिस चैप्टर कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म थैंक यू